हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, आप डिटेल्स देख लोगे जो मैंने यस्टरडे इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी डर्फेस्ट की। रोम यार बहुत बढ़िया है, मैंने आपको इंस्टॉलेशन वीडियो के टाइम भी कहा था कि बहुत स्मूथ है, कि इसकी अच्छी चीज़ मुझे बहुत बढ़िया इसका की पॉइंट लगा था वो कि स्मूथनेस बहुत है, मतलब जो आपका सिस्टम है बहुत ऑप्टिमाइज है वो। सो उसी इसकी आज टोटल आपकी रिव्यू वीडियो है। एन टू और गीक बेंच का आपको पता, मैं रखता नहीं कि यार प्रोसेसर ऐसी है तो इतना स्कोर्स बेंच मार्क्स आएंगे नहीं मुझे लगेगा। सो मैं ज़रूर रिव्यू की वीडियो में रखूँगा, बट इसमें इतना कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का भी नहीं है। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी ना देख रहे हैं। और एज ऑलवेज अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यार देखो, एक चीज़ मुझे इस रोम की जो सबसे बढ़िया, मैं दोबारा ही बात रिपीट करूँ सॉरी, कि स्मूथ बहुत है यार। जो रोम स्मूथ होती है तो उधर से लगा लो कि जो उसका सिस्टम है वो डेवलपर ने कितना ऑप्टिमाइज कर रखा है, ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे अभी तक ये लगा है। बग का तो मुझे अभी तक कोई चीज़ लगी नहीं कि भाई ये नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको चल रहा है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है अगर आप एक रोम को अपने फ़ोन पे डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहे हो, कहने का मीनिंग ये है। उस हिसाब से देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब कुछ वर्किंग है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन दिस रोम। मेन जो चीज़ मुझे लगी बहुत स्मूथ है, उसकी वजह से आपको एक अच्छी यहाँ पे बात लगेगी, चीज़ लगेगी कि भाई परफॉर्मेंस फिर आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। बैटरी का भी ठीक ठाक है, कोई मैं ज़्यादा इसकी नहीं कहूँगा इतना, मेन चीज़ बैटरी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ठीक है भाई बैटरी परफॉर्मेंस ओके है, बट अगर आपको थोड़ी परफॉर्मेंस और चाहिए पबजी के साथ तो सबसे बेस्ट आपको कर्नल बताऊँगा मैं, लाइटनिंग कर्नल आप यूज़ कर सकते हो जो सबसे बढ़िया आपके लिए प्रेफरेबल होगा। अगर आपको परफॉर्मेंस सही है तो लाइटनिंग कर्नल आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। इफ़ यू नीड मोर परफॉर्मेंस गाइज देन लाइटनिंग कर्नल विल बी बेस्ट। डिफॉल्ट के साथ भी जा सकते हो, मना नहीं कर रहा, डिफॉल्ट अगर आपको कस्टम कर्नल यूज़ नहीं करना है तो डिफॉल्ट के साथ भी जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफॉल्ट के साथ भी परफॉर्मेंस मिलेगी बट थोड़ी लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगी आपकी लाइटनिंग कर्नल के साथ। तो इसलिए हमेशा बार बार चीज़ कहता हूँ, अगर कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ कस्टम कर्नल भी यूज़ करा करो, दोनों बैटरी परफॉर्मेंस दोनों में से एक चीज़ आपकी बढ़ेगी ही, वैसे आप रिटर्न में ले लो ये चीज़। उसके बाद आप आ जाते हैं गाइस आपके इसके फीचर से। देखो यार, किसी किसी रूम्स में बिल्कुल जो उसका यूआई होती है वो बिल्कुल स्टॉक की तरह सिमिलर होती है, कोई कोई कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं होते, कोई कुछ नहीं होती, बट डर्फेस्ट में यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, ऑप्शन आई मीन। सो इधर से आप यहाँ पे आपको एक मिनट, ये आपका अलग से इसको आपने कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपने यहाँ पे करनी कर सकते हो, थीमिंग होगी आपकी, स्टेटस बार होगी, यहाँ पे उनको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। कस्टम को मीनिंग क्या होता है कस्टमाइज़ करना, तो वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस बार का भी हो गया, यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम आइकन्स है, स्टेटस बार, लोगो है, जो भी अपने हिसाब से आपने कस्टमाइज़ करना होगा। तो कहने का मीनिंग कि भाई वही कह रहा ना मैं स्टार्टिंग में कि रोम बहुत स्टेबलाइज है, परफॉर्मेंस में भी ठीक है, बैटरी कप में भी ठीक है, और जो आपकी कस्टमाइज है वो भी ऑप्शन डेवलपर ने प्रोवाइड कर रखा है हमें। सो ये आपका स्टेटस बार का इधर हो गया। उसके बाद आपको क्विक सेटिंग्स भी यहाँ पे मिल जाती है थोड़ी। उसके बाद आपको यहाँ पे बटन मिल, जो आपके जो भी आपको नेविगेशन बार टिनर करना है, जो भी आपको करना है वो अपने हिसाब से अभी इधर एडिट कर सकते हो या कस्टमाइज़ कर सकते हो, इनेबल ब्लैक लाइट होगी, जो भी करना है अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। गेस्चर्स का ऑप्शन आपको दे रखा है, AOSiP गेस्चर्स, हाँ तो ये आप दे रखिए, आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रखा है। स्टेटस बार का डबल टैप, लॉक स्क्रीन, ये सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखे। लॉक स्क्रीन का भी यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, शो बैटरी बार, सो बहुत ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, मतलब कस्टमाइज बहुत दे रखे। पावर मेन्यू इधर आपका हो गया, और आप इधर का नोटिफिकेशंस, बैटरी चार्जिंग लाइट, नोटिफिकेशन चार्जिंग लाइट, आपका ये इनेबल, आपका शो एज लाइटनिंग का भी, तो कितनी अच्छी यार स्टेबल रोम है, ज़्यादा भाई आपको एज लाइटनिंग का भी फंक्शन दे रखा है, ये तो ऑप्शन है उसमें होता है, फीचर्स आपको पता ही होगा, शो एज लाइटनिंग और न्यू नोटिफिकेशन। इससे आप हल्का से कह सकते हो, रिलेटेड कह सकते हो एम्बिएंट डिस्प्ले वाली, जैसे आपको नोटिफिकेशन आया फ़ोन पॉपअप हुआ और आपकी जो एज की है वो लाइट थोड़ी आपकी ब्लिंक हुई, एक तरह से आप कह सकते हो ब्लिंक नहीं बट जो आपकी एज की स्क्रीन है वो आपकी लाइट वहाँ पे होगी जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा। सो यहाँ पे बहुत बढ़िया इधर ऑप्शन दे रखा है यार, ऑप्शन तो दे रखे हैं वो चीज़ हमें माननी पड़ेगी, मतलब कस्टमाइज बहुत दे रखी है। एनिमेशन का भी यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन, स्टेटस बार का आ गया, नहीं ये इतना नहीं, बट मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी लगी है कि भाई आपको एज लाइटनिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर रखा है डेवलपर ने, क्योंकि यार बिल्ड बहुत बढ़िया है यार, और तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाएगा। मेन चीज़ जो हाईलाइट करनी थी कि भाई बग कोई नहीं है, मुझे तो अब तक कोई फेस ही नहीं हुआ, अगर आपको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी चीज़ फेस नहीं कि भाई जो हमें इस रोम को कहती है कि डेढ़ की तरह यूज़ ना करो, कोई भी अभी तक ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। और सॉरी यार कल की वीडियो के लिए, मैं मुझे इतना थोड़ा पता नहीं था, बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक थी भाई, मैंने GApps फ्लैश कर लिया क्योंकि GApps पहले से ही सिस्टम में इंक्लूड था। सो सॉरी, उसके थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई,
कैमरा यहाँ पे जी कैम यूज़ करते हैं, वैसे स्टिल जो आपका इनबिल्ट कैमरा है वो तो इधर आपका वर्किंग है, बट जी कैम ज़्यादा प्रेफरेबल होगा क्योंकि वो इतना जी कैम यार अच्छी खासी आपको एक तरह से कैमरे में जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रोवाइड कर देता है, तो ठीक है जी कैम आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा जी कैम अगर आपको यूज़ करना है। और अदर गाइस आप पे डिपेंड है आप यूज़ करते हो, बट परफॉर्मेंस ओके है, बैटरी बैकअप ओके है, और कस्टमाइज जो होनी चाहिए रोम के लिए वो ओके है। तो मेरे हिसाब से गाइस इस फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इस रोम को आप यूज़ करते हो ऐसे डेली ड्राइवर, और अभी तक मुझे सबसे बेस्ट रोम लगी है ये मी वन के लिए, जो आपकी AOSiP Derpfest है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू, इज़ द बेस्ट रोम फॉर आर मी वन, बेस्ट लगी है जो बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू है। पी भी है, ईवो भी है, हैवॉक भी है, बट अगर उससे थोड़ी और हटके आप कुछ मतलब कोई और रूम ट्राई करना चाहते हो, कहने का मीनिंग ये, तो गाइस AOSiP बेस्ट रूम होगी आपके लिए, आई मीन Derpfest बेस्ट रूम होगी आपके लिए। और तो यहाँ पे कोई आपका लॉन्चर का भी आपको यहाँ पे दे रखा है, जो भी आपने करनी है आई मीन ट्यूनिंग करनी लॉन्चर की आप से कर सकते हो, थीम तो यार डिपेंड करता है, बट जो एक चीज़ होती है परफॉर्मेंस बैटरी का वो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो रखी है। चार्जिंग स्पीड भी ठीक है, फिंगरप्रिंट की भी स्पीड ठीक है, और तो फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे बचा नहीं। हाँ अगर मैं इसमें गीक बेंच और इन सब की बेंच मार्क्स लेके आता ज़्यादा प्रेफरेबल होता, बट इतना यार बेंच मार्क्स आएंगे नहीं, वो चीज़ आपको पता है तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइस अगर इस वीडियो को आपको मतलब इस रोम को इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो उधर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम को लिंक, टेलीग्राम ग्रुप को भी लिंक आई मीन टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।